जिसने ली थी मासूम बच्चों की जान, जिसके गुनाहों से त्रस्त था पाकिस्तान, जिसने किया था अमेरिका को भी हलकान, खत्म हो गया वो शैतान। पाकिस्तान में आर्मी स्कूल पर हुआ वो बेहद भयावह हमला तो आपको याद ही होगा, जब आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 144 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उस खौफनाक हमले की खबर से सारी दुनिया सन्न रह गई थी। उस वक्त शायद पहली बार पाकिस्तान ने आतंक के उस दर्द को महसूस किया था जो सालों से हिंदुस्तान हर दिन हर लम्हा महसूस करता है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान ने ली थी और एक नाम जो इस हमले के बाद उभर कर सामने आया था वो था उमर मंसूर। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 स्कूली छात्रों और कर्मचारियों की मौत का जिम्मेदार आतंकी उमर मंसूर उर्फ खलीफा मंसूर मारा गया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि मंसूर अमेरिका के ड्रोन हमले में ढेर हो गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक मंसूर शनिवार को अफगानिस्तान में नांगराहर प्रांत के भंडार इलाके में ड्रोन हमले में मारा गया। मंसूर के साथ एक और आतंकी कारी सैफुल्ला भी इस हमले में मारा गया। एक और अधिकारी ने बताया कि उनके पास मंसूर और सैफुल्ला के मारे जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट है। अमेरिका ने 25 मई को उमर मंसूर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। मंसूर 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के स्कूल में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 122 छात्र और 22 टीचर्स और कर्मचारी मारे गए थे। ये पाकिस्तान में हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।